दोस्तों, अगर आप लोग भी WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप WhatsApp से फोन कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कई बार अपने मोबाइल में नंबर सेव होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन कोई अननोन नंबर अपन को मैसेज करता है या WhatsApp पे कोई भी बंदा मैसेज करता है तो उसको अपन को फोन लगाना होता है। तो अपनी फोन बुक में अपन को वो नंबर सर्च करना होता है जिसमें काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप डायरेक्टली WhatsApp से किसी को भी फोन कैसे लगा पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जी यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं और WhatsApp पे जो अपने पास मैसेज आते हैं, जो अननोन नंबर से मैसेज आते हैं, जो नंबर सेव नहीं होते हैं अपने मोबाइल में, उन पे अपन WhatsApp द्वारा नॉर्मल कॉल कैसे कर सकते हैं, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में WhatsApp को ओपन करना होगा। जब ओपन कर लेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऐसे मैसेज शो होते हैं जिसमें नंबर लिखे हुए होते हैं। ध्यान दीजिए, अब जिस भी नंबर पे आप फ़ोन लगाना चाह रहे हैं, जिस भी मोबाइल नंबर पे, उस नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। इसे मान लीजिए इस नंबर से मैसेज आया हुआ है, अब मैं इस पर फ़ोन लगाना चाहता हूँ। लेकिन WhatsApp में दोस्तों क्या है, फ़ोन लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है, अपन जहाँ से फ़ोन लगाते हैं तो एक इंटरनेट के द्वारा फ़ोन लगता है, WhatsApp कॉलिंग होती है, नॉर्मल कॉल नहीं लगता है। तो उसको करने के लिए दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इस नंबर पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो पहला तरीका जो है दोस्तों क्या है, सिंपल आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको उसका नंबर देखने को मिलता है, ये नंबर लिखा हुआ है। आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये नंबर आपके जो है ना मोबाइल में कॉफ़ी हो जाता है, ठीक है ना। दबा के रखेंगे आप, जब दबा के रखेंगे देखिए नीचे लिखा चुका है नंबर कॉफ़ी, तो ये आपके कॉफ़ी हो चुका है नंबर। सिंपल आपको करना क्या होता है, आपका डायलर बॉक्स को ओपन करना होता है, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा नंबर। आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पेस्ट हो चुका है। आप कॉल बटन दबा के आप यहाँ से कॉल कर दीजिएगा तो आप देख पाएंगे कॉल लग चुका है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ध्यान दीजिए, सिंपल आप WhatsApp को ओपन कीजिए। अब जिस भी नंबर पर आपको दोस्तों फोन लगाना है, एग्जांपल के लिए इसी पे फोन लगाना, आपको सिंपल ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको तीन डॉट पे क्लिक करना होगा। तीन डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा ऐड टू कॉन्टैक्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ध्यान दीजिए क्लिक करना होता है ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट ये लिखा हुआ है वाला, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपल आप उस व्यक्ति का जो भी नाम है वो नाम से आप नंबर सेव कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एडोब, ये लिख दिया मैंने अपना नाम उसका लिख दिया, और आप जिस नाम नंबर से करना है कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। और सिंपल आपको अब करना क्या होता है, यहाँ से कॉल इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोन में लग जाता है। देखिए दोस्तों, जब नंबर सेव हो चुका है तो आपके लिए बार बार फोन बुक में देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको इसी पर क्लिक करना होता है, कुछ देर बाद ये नंबर जो है ना आपके WhatsApp पर भी सेव हो जाता है। जैसे कि आप देख पाएंगे सेव हो चुका है। सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको तीन डॉट पर क्लिक करना होता है और व्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर फिर तीन डॉट पर क्लिक करके व्यू इन एड्रेस बुक पर क्लिक करना होता है। सिंपल यहाँ से आपको बटन दबाना होता है कॉल का, और ये आपके मोबाइल लोग अपने WhatsApp से नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद आप लोग पूरा समझ गए होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको अपने WhatsApp से किसी को भी फोन कैसे करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।